भी जिसकी आप लोग खुद तो समझदार हो, समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात करें, आज भी उसको सेलिब्रिटी का दर्जा नहीं मिला, बिकॉज शी इज नॉट सेलिब्रिटी। मैं तो कहूँगा वो पॉकेट मार ही है, मैं तो कहूँगा वो पॉकेट मार ही है। कुछ लोगों के बिग बॉस सीजन आते ही नाटक शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग जो जिंदगी को भी नाटक में ही लेके चलते हैं, उनकी लाइफ का हर पहलू जो है नाटक ही है, वो किसी के ऑनेस्ट नहीं है, उनके लिए माँ बाप भाई बहन सब नाटक ही है। तो कुछ लोगों के लिए तो वो सब चीज़, आई मीन जैसे बिग बॉस आता है अपनी लाइफ में नाटक शुरू हो जाते हैं। बट ठीक है, वैसे लोगों के लिए भाई अगर किसी से भीख ही मांगना है तो कम से कम खुल के भीख मांगो, ऐसे नाटक करके अपने को गिरा के, मीन आई डोंट थिंक सो लाइक कि राइट वे है। थैंक यू सो मच। सो आई वुड से कि ऐसे लोगों से दूर ही रहने में, अरे यार देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आज भी जिसकी आप लोग खुद तो समझदार हो, समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आज भी उसको सेलिब्रिटी का दर्जा नहीं मिला, बिकॉज शी इज नॉट सेलिब्रिटी। मैं तो कहूँगा वो पॉकेट मार ही है। आप लोग का कैसा चल रहा है, दोबारा आ जाओ। अरे नहीं यार, बिग बॉस ये सब अपने लिए नहीं है, अपने लिए वो सब चीज़ नहीं है। मैं तो दिखते हो कि वहाँ पे, क्योंकि अगर ऑनेस्टली माइंड गेम से था तो लाइक वहाँ पे जितने भी गेम हैं मुझे सबसे पहले समझ में आता था, एंड उसके बाद भी पता नहीं एलिमिनेशन कैसे बेस पे होता है, बिकॉज जो एलिमिनेशन था उसमें मैं थर्ड लास्ट पे था, तो कैसे एलिमिनेट किया वो भी नहीं पता, तो ये कम्प्लीटली मुझे नहीं लगता है कि फेयर था। तो ऐसी जगह पे जाके फिर अपना टाइम वेस्ट करना मेरे लिए नहीं सही। विल सी, बट कुछ लोगों के बिग बॉस सीजन आते ही नाटक शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग जो जिंदगी को भी नाटक में ही लेके चलते हैं, उनकी लाइफ का हर पहलू जो है नाटक ही है, वो किसी के ऑनेस्ट नहीं है, उनके लिए माँ बाप भाई बहन सब नाटक ही है। तो कुछ लोगों के लिए तो वो सब चीज़, आई मीन जैसे बिग बॉस आता है अपनी लाइफ में नाटक शुरू हो जाते हैं। बट ठीक है, वैसे लोगों के लिए भाई अगर किसी से भीख ही मांगना है तो कम से कम खुल के भीख मांगो, ऐसे नाटक करके अपने को गिरा के, मीन आई डोंट थिंक सो लाइक कि राइट वे है। थैंक यू सो मच। सो आई वुड से कि ऐसे लोगों से दूर ही रहने में, अरे यार देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आज भी जिसकी आप लोग खुद तो समझदार हो, समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आज भी उसको सेलिब्रिटी का दर्जा नहीं मिला, बिकॉज शी इज नॉट सेलिब्रिटी। मैं तो कहूँगा वो पॉकेट मार ही है, सेलिब्रिटी का दर्जा भी नहीं मिला। इतना दिखावा करना, इतना नाटक करना, किसी को प्यार से बोलना, उसके बाद फिर बोलना कि हाँ भाई मुंह पे, हाँ भाई तुम ही
तुम ही एंजल हो, तुम ही ये हो, बाहर निकलते ही बस उसको गालियाँ देना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं गाली देना है मुंह पे दूंगा, मैं पीठ पीछे नहीं दूंगा। और मेरा परसेप्शन जब किसी के प्रति अगर अच्छा है तो अच्छा है। मैं आज भी मैं कहता हूँ कि जो भी है, लाइक प्रतीक देवलीना डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपने रियल लाइफ में भी देखता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि उसके अपार्ट कोई ऐसा बंदा है जिसे बिग बॉस में मैं मिला, और दे आर लाइक इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो। मेरे लिए वो नाटक नहीं है, मेरे लिए रश्मि से कभी भी मेरा बना नहीं, इवन आउटसाइड ऑल्सो। तो मेरे लिए वो कभी भी मैटर नहीं करता। मेरे लिए रश्मि का कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बिग बॉस की टीम से मुझे लगता है कि एक्सेप्ट रश्मि मैं सबसे टच में हूँ, बट यस रश्मि से मेरा कोई कनेक्शन और कभी तालमेल ही नहीं बना। तो आज भी वो है, मेरे लिए कोई दिखावा नहीं है। इनफैक्ट हम लोग शमिता के बर्थडे में भी मिले थे, बट जस्ट फॉर्मल टॉक, वो पर्सनल टॉक तो हो नहीं पाया, या मीन्स मैं उतना क्लोज नहीं हो पाता। मेरे लिए दिखावा करना बहुत मुश्किल है। मैं जो हूँ वही बोल सकता हूँ। तो उसने भी मुझे इग्नोर किया, मैंने भी उसको इग्नोर किया। फिर बाद में उसने कहा कि सॉरी मैं थोड़ा बिजी थी, मैं देखी नहीं। बोला कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि आपने भी मुझे इग्नोर किया। मैं बोला हाँ क्योंकि मेरे साथ सिंपल फंडा है, आप कोई भी हो, आप मुझे इग्नोर करोगे मैं इग्नोर करूँगा। आप कोई भी हो, आप किसी स्टैंडर्ड के हो, अगर आप मुझे वेलकम करोगे डेफिनेटली मैं कहीं भी रहूँगा आपको वेलकम करूँगा। दिस इज हाउ लाइक ही यूज्ड टू, आई मीन मैं, मेरे लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं है और कोई आम इंसान नहीं है, सभी इक्वल है। सेलिब्रिटी दे आर डूइंग देयर जॉब एंड आई एम डूइंग माय जॉब। मुझे नहीं लगता कि कोई सेलिब्रिटी में फोर निकले हुए हैं या कुछ भी। तो मेरे लिए सभी इक्वल हैं और मैं अपने को भी इक्वल मांगता हूँ और सबको इक्वल। ओके गाइस, आई हैव टू गो। चलिए अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।